शुरू होने दो यार। शेयर कर रही हूँ ये भिंडी, देखिए भिंडी की सब्जी तो बहुत खाए होंगे, भरवा भी खाए होंगे, भुंजिया भी खाए होंगे, पर आज मैं एक ऐसी रेसिपी बता रही हूँ जिसको भिंडी जो हम लोग बाज़ार से लाते हैं और कोई कोई कड़ा हो जाता है, नहीं बना पाते हैं सब्जी, देखिए इस तरह से नहीं टूट रहा है, उसको हमको क्या करना है, देखिए ऐसे सब्जी इसका बनाइए जैसे हम सहजन की सब्जी खाते हैं उस तरीके से लगेगी, यह बहुत टेस्टी बनती है। देखिए हमारा पैन गर्म हो गया है, इसमें हम तेल डालेंगे, एक चम्मच हमने तेल डाला है, तेल हमारा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें सरसों डालेंगे, काली वाली सरसों है ये वाली, थोड़ी सी इसमें हम डाल देंगे, ठीक है। देखिए दोनों साइड से हमने इस तरह से काट लिया है, थोड़ा थोड़ा दोनों साइड से काट के और एक चाकू से इस तरह से चीरा लगा देंगे ताकि इसमें अच्छी तरह से जूसी हो जाए हमारा ये भिंडी, और इस तरह से इसमें हम डाल देंगे। इस तरह से हम जो कट लगाए हैं इससे क्या होगा कि हमारे भिंडी अंदर से सारे जितने भी इसमें हमारा रस होगा इसका गढ़ अच्छी तरह से हमारा ये अब्जॉर्ब कर लेगा, इसलिए जूसी बन जाएगा, इसलिए इस तरह से हमने कट लगाया है। और इसको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे, एक मिनट फ्राई करेंगे इसको हम, इसमें ज़्यादा तेल भी नहीं लगता है और ना मसाला ही, बहुत अच्छा लगता है खाने में। भिंडी फ्राई हो चुका है, अब इसमें हम नमक थोड़ा सा डालेंगे, स्वाद के अनुसार हम नमक डालेंगे, जितना ज़रूरत होगा उस हिसाब से हम नमक डालेंगे, फिर इस तरह से चलाएँगे। इसके बाद हम इसमें एक चम्मच बेसन डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है, बस एक चम्मच, थोड़ा सा देखिए हाफ चम्मच इस तरह से डालना है, बहुत अच्छा स्वाद आता है इसका, इतनी अच्छी इसकी ग्रेवी बनती है, ज़्यादा ग्रेवी भी नहीं बनाना है, बहुत अच्छा ग्रेवी अच्छा बनता है बेसन डाल देने से इस तरह से भून के। उसके बाद हम सारे मसाले इसमें ऐड करेंगे, लाल मिर्च पाउडर आप ज़्यादा या कम कर सकती हैं अपने अकॉर्डिंग, हल्दी पाउडर हाफ चम्मच, हाफ चम्मच धनिया पाउडर, अब इसको हम पानी डाल के मिलाएंगे, थोड़ा सा इसमें हम पानी डाल देंगे ताकि हमारा मसाला जले नहीं, अच्छी तरह से फ्राई हो। इसको हम एक मिनट फ्राई करेंगे, थोड़ा सा हम इसमें अचार का मसाला भी डालेंगे, थोड़ा सा हम ये हमारा पिसा हुआ सरसों है हाफ चम्मच इस तरह से डालेंगे, इस तरह से हमारा ये भिंडी फ्राई हो चुका है, हमारे भिंडी अब बिल्कुल रेडी हो गई है, इसमें हम हल्का सा पानी डालेंगे ताकि जूसी बने हमारी भिंडी, बहुत टेस्टी लगती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फेंके नहीं भिंडी को इस तरह से, ये भी हेल्दी ही होती है, भिंडी ही है, बस थोड़ी सी कड़ी हो जाती है। देखिए इस तरह से हम इसको हल्का सा उबाल आने के बाद इसको उतार देंगे, हमारी भिंडी तैयार हो जाएगी, भिंडी तैयार हो गई है, देखिए कितना अच्छा बना है, इसमें ज़्यादा ना मसाला है ना तेल है, भिंडी हेल्दी होती ही है, ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा कैसा बना है,
गैस को हम ऑफ करते हैं। हमारा तैयार हो गया है जूसी भिंडी, ये हमारी है, जैसे हम सहजन का सब्जी खाते उसी तरह से है। ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, और बनाइएगा तो कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।